नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, कमिश्नर ने उच्च शिक्षा में सफलता हासिल करने वाले युवाओं को किया सम्मानित। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ ने चलाया छापेमारी अभियान, 5 बाल मजदूरों को कराया मुक्त, 2 गिरफ्तार। कटोरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर, दर्जनों कांवरिया हुए घायल। तेज रफ्तार हाईवा ने ठेला चालक को रौंदा, मौके पर हुई मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। और मुहर्रम को लेकर बांका डीएम ने की बैठक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के खलीफाबाग चौक स्थित होटल में रविवार को प्रतिभा सम्मान संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, सदर एसडीओ आशीष नारायण, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाले युवाओं को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में बेहतर योगदान देने वाले 6 सामाजिक संगठनों को भी सम्मानित किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर रामगोपाल पोद्दार, अश्वनी जोशी मोंटी सहित काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर में शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा है, सीए, एमबीबीएस, बीपीएससी के क्षेत्र में जिन भागलपुर के युवाओं ने सफलता हासिल की है, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो भागलपुर में सामाजिक संगठन है, उन सामाजिक संगठनों में जो संगठन भागलपुर के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उन 6 संगठनों को हमने आज सम्मानित करने का काम किया है। भागलपुर आरपीएफ पुलिस ने मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से 5 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। बच्चे के साथ 2 युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी बच्चे बंगाल के रहने वाले हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के भदोही में सभी बच्चे से कारपेट बनाने का काम कराया जाता था। पकड़े गए सभी बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा जाएगा। वहीं दोनों आरोपी युवक को बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। इनको जो है चाइल्ड लेबर के रूप में, बाल श्रमिक जिसको बोलते हैं, इस रूप में काम कराया जाता है। क्योंकि बच्चों का उंगली बहुत पतला होता है, तो ये लोग जो है कारपेट वीविंग, जो आप देखते हैं कारपेट का वीविंग का काम कराया जाता है। इन बच्चों से 15 से 16 घंटा रोज काम कराया जाता है। ये गरीब बच्चे हैं, गार्जियन जो है गार्जियन से लेकर के लोग ले जाता है और इसके बिचौलिया जो है वही कमाई ज़्यादा करता है। बच्चे को बहुत कम पैसा मिलता है और वीविंग करता है। ये लोग सब मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी से लौट रहा था, चूँकि इनको जाना था मालदा, लेकिन ये लोग कट कट में आता है। कटोरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर रविवार को 2 यात्री बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में बस पर सवार 1.5 दर्जन से अधिक कांवरिया घायल हो गया। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कटोरिया रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 5 कांवरियों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने देवघर रेफर कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मधुबनी जिला के कांवरियों का दल देवघर से पूजा अर्चना कर वापस। इसी दौरान राजवाड़ा पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रही यात्री बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कटोरिया पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। इन दिनों तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन लोग सड़क हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। बांका के धौरैया मुख्य सड़क मार्ग पर रविवार को अनियंत्रित तेज रफ्तार हाईवा ने जुगाड़ गाड़ी चालक को कुचल दिया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के कटिया गांव निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक चालक किराना सामान लेकर कुर्मी गांव गया था। गांव से लौटने के दौरान धौरैया की ओर से आ रहा बालू लदा हाईवा ने जुगाड़ गाड़ी चालक को रौंद दिया। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से चालक फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही धौरैया वीडियो अभिनव कुमार भारती, सीओ अजय कुमार और थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सहायता राशि देने की बात कही, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। वहीं पुलिस ने हाईवा को
जब्त करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मुहर्रम को लेकर बांका डीएम कुंदन कुमार और एसपी अरविंद गुप्ता ने मुगल कालीन ईदगाह और करवला मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने करवला मैदान जाने वाले रास्ते की साफ सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और अविलंब मार्ग को दुरुस्त कराने की बात कही। डीएम ने भीड़भाड़ वाले इलाके में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मुहर्रम में अखाड़ा जुलूस को लेकर 216 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती करने की जानकारी दी। वहीं डीएम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की लोगों से अपील की। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री रमेश ऋषिकेश सपरिवार सुल्तानगंज पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद प्रसिद्ध अजगैवीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। अजगैवीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जल पात्र में गंगा जल भरकर सपरिवार अपने निजी वाहन से बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए प्रस्थान किया। मंत्री ने बताया कि मेले में कांवरियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। सावन के तर्ज पर भादों में भी बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार से बात करने की बात कही। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रही। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की लंबी आयु की बाबा वैद्यनाथ से कामना करने की बात कही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कलवार सभा की ओर से रविवार को भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में भगवान वलभद्र जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान वलभद्र की पूजा विधि विधान से की गई। जयंती को लेकर कलवार सभा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम सा पारिवारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने वलभद्र भगवान के विचारों को जीवन में अपनाने की अपील की। वहीं कलवार समाज के लोगों ने संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। इस मौके पर काफी संख्या में कलवार समाज के लोग मौजूद थे। आज हमारे समाज द्वारा बलभद्र जयंती मनाया जा रहा है। हम लोग बलभद्र भगवान के वंशज हैं, उनकी जयंती हम लोग हर एक साल मनाते हैं। भागलपुर में आज 23वीं जयंती मनाई जा रही है। हम लोग सभी स्वतंत्र लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। भागलपुर आसपास जिला से लोग आते हैं और अपने बलभद्र भगवान का पूजा करते हैं। अपने बच्चे लड़के लड़कों की शादी विवाह के लिए भी उसमें सबसे बारिश विचार होती है। हम लोग शादी विवाह का भी कार्यक्रम कराते हैं। मुख्य हम लोग हैं कि एक शुद्ध मंत्र रहना, एक दूसरे को एक। भागलपुर के जगदेशपुर में वज्रपात की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान चांदपुर निवासी सुशील पासवान के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक सुशील बहियार स्थित अपने खेत गया था। लौटने के दौरान ठनका मृतक के शरीर पर गिर गया। घटना में मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मुहर्रम की 8वीं तारीख को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कहीं मजलिस हुई तो कहीं फातिहा खाने का
दौर चला। इमाम बारा के समीप अकीदतमंद लोगों ने बड़े बड़े देगों में खिचड़ा पकाया और तबर्रुक बांटी। वहीं भागलपुर सराय स्थित सैयदना मुर्तजा अली इमाम बारा कमेटी के सदस्य मोहम्मद बावर अंसारी ने बताया कि प्रत्येक साल पूरी आस्था के साथ खिचड़ा बनाकर लोगों के बीच तकस्सुम किया जाता है। रविवार को पैकरों ने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के इमाम बारों पर जाकर या अली या हुसैन के नारे लगाए और करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को याद किया। वहीं मुहर्रम को लेकर भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, साथ ही उन्होंने 9वीं और 10वीं को रोजा रखने की बात कही। मौलाना नसीम अहमद ने कहा कि यौम आशूरा के रोजा का विशेष महत्व है। मुसलमानों को चाहिए कि नवी मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखे और मगफिरत चाहे, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे और पूरे साल की फलाह बहबूदगी के लिए, सलामती के लिए दुआएं मांगे और जिस कदर हो सके सदक़ा खैरात करे, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए, रिश्तेदारों के साथ सलूक करे तो उसका बड़ा अजर है। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो अल्लाह के बंदे से बंदा मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा ये मुहर्रमुल हराम 10वीं तारीख की बड़ी अहमियत है, उसकी अफादियत है। जब से ये दुनिया कायम हुई तब से आशूरा का रोज़ मशहूर है और उसकी कदरदानी होती रही है। बड़े 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 वाक़यात सुदूर में आए हैं। अम्बियाओ मुरसलीन को, नबीयीन को अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनाम व इकराम से नवाजा है, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ यानी कबूल हुई, तौबा कबूल हुई उसी 10वीं मुहर्रमुल हराम आशूरा के रोज़। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिसकी पहाड़ से साहिल निजात पर लगी उसी आशूरा के रोज़ 10 मुहर्रमुल हराम को, और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए उसी 10वीं मुहर्रमुल हराम आशूरा के रोज़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल से निजात मिली, उसके लिए 12 रास्ते फूट गए और फिरौन का बेड़ा गर्क हो गया उसी 10वीं मुहर्रमुल हराम आशूरा के। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए उसी रोज़। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से निजात पाए उसी रोज़। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत उसी रोज़ मिली। शहादत का जाम आपने नोश फरमाया दीन हक को बुलंद करने के लिए, इस्लाम की डूबती डगमगाती कश्ती को बचाने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंदोबाला करने के लिए, बातिल का खात्मा करने के लिए, बादशाहत को मिटाने के लिए, आमरियत बर्बरियत का खात्मा करने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खून बहाया, अपनी शहादत को पेश किया, अपना खून बहाना पसंद कर लिया। लेकिन दीन में कोई ऐसी आमिजिश को पसंद नहीं किया जो हम तक आज उसमें नुकसान होने वाला था। लिहाजा उस रोज़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साबिर थे, इस्तेकामत के पहाड़ बने हुए थे, नमाज रोज़ा और तहारत के पैकर बने हुए थे। यही दुनिया वालों को दर्स दिया, हम उसके ग़ुलाम हैं, उसके चाहने मानने वाले हैं। हमें भी चाहिए कि हम हुसैनी फ़िक्र को आबाद करें, वही मिजाज बनाएँ और जिस कदर हो सके हम इसाले सवाब करें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को इसाले सवाब करें। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र वेल टिकरी गांव में शनिवार को बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई की थी। इसी को लेकर रविवार को सबलपुर दुर्गा मंदिर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बौसी सर्किल इंस्पेक्टर गोपाल सिंह ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत देते हुए कानून को हाथ में नहीं लेने की बात कही। मौके पर निखिल बहादुर सिंह, तुलसी यादव, जीवन सिंह, मदन सिंह
सहित ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के साहित्यकार डॉक्टर छेदी शाह की पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन जीरो माइल ज्योति बिहार कॉलोनी में किया गया। डॉक्टर छेदी शाह हिंदी साहित्य के उभरते सितारों में से एक थे। साहित्यकार छेदी शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर ने कहा कि साहित्य से समाज को नया मार्गदर्शन मिलता है। इस दौरान पूजा अर्चना कर लोगों ने डॉक्टर शाह के योगदान को याद किया। मौके पर कमलकांत, राजीव, शीला देवी समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर नाथनगर पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो शराबी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराबी की पहचान गुदरी बाजार निवासी मोहम्मद मोई उद्दीन के पुत्र जाविर अंसारी और मालदा के मणिपुर निवासी निमाय दास के पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। उसी दौरान गश्ती दल ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं जाँच के दौरान दोनों युवक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर बेगूसराय सांसद सह भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर मिठाई बांटी, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला में बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन तलौधा पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह ने नारियल फोड़कर किया। इसके बाद मुखिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत के सभी वार्डों में पक्की गली, नाली और नल जल का कार्य चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएगी। मुखिया ने कहा कि पंचम वित्त आयोग निधि से 12 लाख की लागत से 8500 फीट पीसीसी सड़क निर्माण कराया गया है। मौके पर पंचायत सचिव विनय कुमार सिंह, बलराम राम, जनार्दन यादव समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। महेश झा जी के घर से लेके बजरंग बली तक पीसीसी का कार्य आज से आरंभ है। दो तीन दिन चलेगा इसका। 850 फीट का ये लंबा रोड है। ये पंचम वित्त आयोग से हो रहा है। ये एक मुख्य मार्ग था जो कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला था। बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था, यूं ही कादा बहुत होता था। पूरे ग्रामीणों का हमारे ऊपर दबाव था, इसीलिए मैंने ग्रामीणों के सुख सुविधा के लिए इस रोड का निर्माण कर रहे हैं। बहुत खुश है। हम लोग ग्राम का जो है बिल्कुल कोड़ को मिटा करके मुखिया जी हम लोग बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत खुशहाली में हैं, जो कि बहुत हम लोग नर्क में थे। खाली पैदल भी चलना मुश्किल था हम लोगों के साथ में। महानगर राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर की बैठक रविवार को बूढ़ानाथ में हुई। बैठक की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव ने की। इस दौरान महानगर स्तरीय सदस्यता अभियान की समीक्षा हुई और संगठन के क्रियाकलापों पर चर्चा की गई। राजद महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर कई सुझाव और कहा कि राजद सभी विचारधारा के लोगों का सम्मान करती है। वहीं जिला अध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव ने राजद कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर कार्य करने की बात कही। प्रधान महासचिव मुकेश यादव ने सभी वार्ड अध्यक्ष और सदस्यों से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने की अपील की। मौके पर जाहिद अंसारी, डॉक्टर तवरेज अहमद, दुर्गा दास समेत राजद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कमिश्नर ने उच्च शिक्षा में सफलता हासिल करने वाले युवाओं को किया सम्मानित। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ ने चलाया छापेमारी अभियान, 5 बाल मजदूरों को कराया मुक्त, 2 गिरफ्तार। कटोरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर, दर्जनों कांवरिया हुए घायल। तेज रफ्तार हाईवा ने ठेला चालक को रौंदा, मौके पर हुई मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। और मुहर्रम को लेकर बांका डीएम ने की बैठक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।